केस में सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण, एक शादी हुई, विधायक की वो बेटी हैं, उन्होंने शादी की अपनी मर्जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, उसके बाद देश में कोहराम मच गया। ऐसा लगता है जैसे इस देश में जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार बातें हो रही थी कि जाति खत्म हो रही है, हम एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, या वो सिर्फ दिखावा था और सत्ता का प्रोत्साहन मिलते ही वो सब बाहर आ गया। मेरे साथ जगीशा अरोड़ा हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और इन्होंने एक प्रशांत से शादी की हैं। प्रशांत हमारे दोस्त भी हैं, प्रशांत भी शेड्यूल कास्ट से हैं, दलित से हैं, वहाँ से हैं। किस तरह के हालात होते हैं, परिवार से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, और बता दूँ इनका लव मैरिज है, और तो किस तरह परिवार से रेसिस्ट होता है शुरुआत में, क्या समझाना पड़ता है, कैसे बात बनती है और कैसे इन्होंने मैनेज किया है। और एक और बात बता दूँ, जगीशा ने काफ़ी, प्रशांत ने बहुत शुक्रिया कहा है जगीशा को, जिस तरह से वो पूरा मामला आया था, तो उस पर तो एक बात करेंगे, उस पर हम सब लोगों ने बात की है, लेकिन अभी बात करेंगे कि क्या कैसे मैनेज करना पड़ता है। जगीशा, निश्चल दर्शक पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और जो सवाल अनकम्फर्टेबल लगे उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जनरल की थी, प्रशांत दलित थे, घर में पहला रिएक्शन कैसा था? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की के घर वालों के में जब बात की जाती है तो सबसे बड़ी बात कास्ट तो होती ही है, लेकिन उसके साथ जो मुझे सबसे बड़ी वजह लगी कि वो पेट्रियार्की होती है, कि जैसे आपके घर में माँ बाप हैं आपके, वही आपका फैसला लेते हैं, ठीक है, आपका भाई है वही आपके लिए फैसला लेगा, चाहे वो आपको गलत लगे या सही लगे। इसलिए सबसे ज़्यादा उनकी चोट जो पहुँचती है, जब भी कोई लड़की बोलती है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो लोग सबसे पहले जात पूछते हैं कि कौन सी जाति का है, क्योंकि जैसे मैं स्वर्ण हूँ अगर, तो मुझे ये अपेक्षा यही की जाती है कि मेरी शादी उसी स्वर्ण लड़के से शादी हो, ठीक है। प्रॉब्लम यह है, 70 सालों के बावजूद हम लोग इंटरकास्ट मैरिज, अरेंज मैरिज नहीं कर पाए हैं, हम लोग अपनी जाति से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बहुत। घर में कैसा रिएक्शन? घर में ये रिएक्शन था कि मुझे बोल दिया गया कि आप चली जाइए, आपको जहाँ जाना है। आपने कहा पेट्रियार्की, पेट्रियार्की तब नहीं आता है सामने जब लड़का स्वजातीय हो। हाँ, मतलब ये होता है कि अगर एक ही जाति का हो तो पेट्रियार्की नहीं आती उस टाइम पे, जब मतलब। तो इसको आप जातिवाद मानेंगे या पेट्रियार्की मानेंगे? मैं दोनों मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये दोनों चीज़ें हुई है, जातिवाद भी है और पेट्रियार्की भी। लेकिन सब जगीशा, आपने कैसे मैनेज किया, घर वालों को कैसे समझाया, जबकि आपकी शादी दिल्ली में हुई, घर वाले शामिल हुए थे नहीं हुए थे? देखिए, घर वाले शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने जब उन्होंने मुझे बोला कि आप घर से निकल जाइए, जब उन्हें पता चला मेरे और प्रशांत के बारे में, तो मैं घर से निकल आई और उसके बाद पुलिस स्टेशन पे मुझे जाना पड़ा, वहाँ पे मुझे लिखित बयान देना पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई कि मैं इससे लड़ी, अकेले लड़ी, फिर प्रशांत थे साथ में, लेकिन एक लड़की के लिए सबसे बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज। कभी डराने धमकाने की भी कोशिश हुई, घर वालों ने थोड़ी सख्ती की होगी, आप पत्रकार थी, इसका फ़ायदा मिला? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है अगर लड़की पत्रकार भी हो, चाहे स्पेस में भी चली जाए। प्रॉब्लम यह होती है कि अगर आपके घर का कोई बोल रहा है तो वही अंतिम सत्य होता है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपके पिता हो। फिर कैसे, इतनी हिम्मत कैसे आपने जुटाई, बहुत मैनेज करना पड़ा होगा। रिश्तेदारों का कैसा रिस्पॉन्ड था? देखिए, रिश्तेदारों ने तो पूरी तरीके से बातचीत करना बंद कर दिया। सबसे बड़ा जो सपोर्ट था वो प्रशांत का था, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि लड़के कम स्टैंड कर पाते हैं, लेकिन प्रशांत ने जिस तरीके का स्टैंड लिया वो बहुत। देखिए, हम लोग एक सोशल अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पढ़ाई लिखाई कितने हैं, इकोनॉमिकली क्या कंडीशन है? देखिए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और पढ़ाई लिखाई भी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लेकिन मतलब सब मतलब एक रूढ़ीवादी तो था परिवार और जातिवाद। आपको लगता है आपके पिता विधायक होते तो आप शादी नहीं कर पाती, या पावरफुल होते इकोनॉमिकली पॉलिटिकली तो फिर वो और रेसिस्ट करते? हाँ, बिल्कुल रेसिस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर आप विधायक होते हैं, जैसे बीजेपी विधायक है वो, तो उनको लगता है कि उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी अगर दलित से हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि आप जाति तो देखते ही हैं लोग, जाति मतलब जाएगी ही नहीं, क्योंकि इतना इंटरनलाइज हो चुका है, इतने सब रिफॉर्म्स करने के बावजूद भी, बाबा साहब के आने के, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे अगर मैं एक, उन्होंने हर महिला को वो अधिकार दिया है, वो भी उस टाइम पे 1947 के बाद में, कि हम वोट कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बराबरी का अधिकार दिया। हिंदू कोर्ट बिल से हमें कितनी सारी पॉजिटिव बातें मिली हैं, मतलब हिंदू धर्म में तलाक था ही नहीं, हमें सब कुछ मिला। जगीशा, मेरा एक, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप जनरल की थी, अगर मान लीजिए कि प्रशांत का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर होता,
तो और रेसिस्ट कम होता है या रेसिस्ट फिर भी होता? रेसिस्ट होता है, क्योंकि आप किसी भी केस में देख लीजिए, लड़की अगर अपने मन से किसी को चुन रही है और अगर वो शेड्यूल कास्ट का है या बैकवर्ड क्लास का है जिसे हम बोलते हैं उन्हें, तो होता है प्रॉब्लम। अच्छा, जब वो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ, जैसे अभी इस एक शादी है मिश्रा जी की बेटी और, तो पूरा देश पूरी दुनिया के लोग बददुआ मना रहे कि वो शादी टूट जाए ताकि उनको और मौका मिले, आप जिस कंट्रोवर्सी में पड़ी थी प्रशांत को, बहुत एकदम आप तो मॉडल हैं, एकदम एग्जांपल हैं इस पूरे मामले, जब प्रशांत को पुलिस ले गए, पूरे देश में लोग साथ भी थे, लेकिन घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? ऐसा एहसास करा रहे थे कि तुमने गलत फैसला किया? नहीं, देखिए घर वाले जो होते हैं, जैसे भी आप लव मैरिज करते हैं और इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो घर वाले यही सोचते हैं कि आप आपकी शादी कभी टूट जाए और आप घर आए और आप मतलब अपने परिवार के सामने माफ़ी मांगे, ऐसा होता है कि इस मामले में कैसा रिस्पॉन्स था? लोग बात आपसे कर रहे थे, परिवार वाले बातचीत कर रहे थे? तो मतलब आप भी अभी घर वालों से एकदम आपका कांटेक्ट खत्म हो चुका है? होती है, लेकिन मेरी मम्मी से ही होती है, उनसे ही मेरा रिश्ता है, उसके बाद किसी और से नहीं होती है। अभी उतनी बात नहीं होती है, मतलब बचपन से ही ऐसा रहा है कि इतना ज़्यादा, एक तो क्या है हमारे समाज में बहुत कम्युनिकेशन गैप बना देते हैं, जैसे साक्षी मिश्रा भी यही बात करी थी कि आप पिता के सामने बात नहीं कर सकते, अपने भाई के सामने बात नहीं करते, ये पैट्रियार्की ही है, इसे हमें तोड़ना होगा, क्योंकि मैं तो अपने घर से भाग के आ गई, लेकिन अब कितनी लड़कियाँ, आपको क्या लगता है साक्षी का अगर वीडियो नहीं आता तो खेल हो चुका होता? जी बिल्कुल, हमें आदत है अखबार में ऑनर किलिंग के लिए पढ़ने के लिए, बस वही हम उस तक ही सीमित रहते हैं, और उसके अलावा फिल्मों में हम देखते हैं कि हाँ लड़का लड़की मिल गए बहुत अच्छी बात है, ताली मारेंगे, लेकिन घर में आप अपनी बेटी को वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, वो खुल के जीने का वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाते कि वो अपने अपना। अच्छा, बहुत निजी हो गया, अगर आप शेयर करना चाहें तो, जब आपने ये बात घर वालों को बताई पहले कि मुझे उससे प्यार है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो पहला रिएक्शन फादर और ब्रदर का कैसा था? देखिए मेरे फादर नहीं है, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बस यही बोला था, जब उन्हें पता चला इस बारे में, तो उन्होंने बोला था पहले आप अपनी फेसबुक पे फोटो हटा लीजिए जो प्रशांत के साथ है, तो मैंने कहा हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमने कुछ गुनाह नहीं किया है, हमने अगर आप किसी से प्यार करते हैं फेसबुक पे फोटो, अब इतना कि बड़ा रिएक्शन मिला मुझे, उन्होंने फिर मुझे कहा कि जाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ, तो कोई फायदा नहीं है, आप संविधान में कुछ भी लिख लीजिए कि, लेकिन वो संविधान को। अच्छा, ये कभी आपने सोचा जो भी पैतृक संपत्ति है उसमें कभी कोई बातचीत तो ऐसे भी नहीं देंगे? जी नहीं, जबकि वो आपका लीगल राइट है। लीगल राइट खत्म हो जाता है जब आप सोशल स्ट्रक्चर के में घुसते हैं ना, तो लीगल राइट कुछ नहीं होता है, संविधान अभी भी अच्छे से लागू नहीं हुआ है। संविधान में तो सिर्फ सोसाइटी समझना चाह रहा हूँ, सोसाइटी अभी भी अपने धर्म से चलती है, अपनी जाति से चलती है, बस संविधान से वो नहीं चलती है मोस्टली, अगर नहीं, अगर ऐसा होता कि संविधान से चल रही है तो इतनी हत्याएं जो हम पढ़ रहे हैं, ऑनर किलिंग, और लड़की के परिवार वाले ही सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, लड़की के परिवार में फिर भी एक होता है कि हाँ, क्योंकि लड़के को सोचते ना कि लड़का अगर किसी भी जाति में शादी कर ले तो ठीक है कर रहा है वो, लेकिन अगर मैं एक लड़की अगर किसी इंटरकास्ट मैरिज कर रही है तो उसमें बहुत पेट्रियार्की भी आती है, कास्टिज्म भी आता है, सब आता है। तो जगीशा हैं और जनरल कैटेगरी से थी, एक दलित पत्रकार दोस्त था, प्रशांत भी पत्रकार हैं, मैं एक बात के साथ ख़त्म करूंगा, शुक्रिया जगीशा, कम से कम आपने बात शेयर की। कुछ और जो आप बताना चाहती हो, जो अभी जो जातियों में सोशल मीडिया पे जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, सवर्ण शब्द जो हैं, सवर्ण और ओबीसी के लोग जो हैं वो एमएलए के साथ हैं, और बहुत दलित लोग, पिछड़े लोग जो हैं उसमें बहुत संख्या है, महिलाओं की बहुत संख्या है जो लड़की के साथ नहीं है, महिलाओं का भी रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएँ हैं, सीज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पेट्रियार्की। देखिए जनरल कैटेगरी वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनका फेमिनिज्म बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, उनका नारीवाद बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे अगर मैं भी स्वर्ण महिला हूँ तो हम लोग सिर्फ अपने ही दायरे के बारे में सोच पाते हैं, हम किसी दलित महिला दलित पुरुष के बारे में नहीं सोच पाते, हमारा फेमिनिज्म उतना ही रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उसके अलावा हम ग्राउंड लेवल पर बात करने का नहीं सोचते कि उनको क्या तकलीफ है। दबाव होगा कि आपकी शादी लगातार चलती रहे, तो दबाव सामाजिक सोशल बहुत दबाव होता है? दबाव तो यही दबाव ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं लगा अभी, मेरी फैमिली से ही लगा है, बाकी हम प्रशांत के दोस्त हो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, प्रशांत की फैमिली हो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, वैसे वही बोल रही हूँ कि लड़की जब दूसरे कास्ट में शादी करती है तो प्रॉब्लम होता है कंपेयर टू लड़के के। विधायक जी की बच्ची हैं, मैं एक IMC की कहानी सुनाऊंगा, इंडियन सूट में जनरल के ही लड़के थे लेकिन जाति में वो कास्ट थे, और अरुणिमा थी जो अब नहीं रही इस दुनिया में, वो ब्राह्मण्स थी, और उस मामले में केस तक चला और आरोप लगा इस तरह से कि उनकी हत्या कर दी गई जब अपने घर गए, क्योंकि वो प्यार में थी।
तो मुझे लगता है कि साक्षी ने अपनी जान बचाई है सोशल मीडिया पर आके, और लोग उसके साथ खड़े भी हैं, मीडिया ने भी उसका साथ दिया है। लेकिन सच्चाई यही है इस देश में, खुद जगीशा बता रही हैं, अभी एक साल हो गया होगा जगीशा जी, नहीं अभी 8 महीने हुए, 8 महीने पहले शादी हुई है। और सोचिए कि इनके पापा भी अगर विधायक होते, मैंने मर्डर भी देखा है, इनके पापा भी विधायक होते तो क्या हाल होता। लेकिन अभी भी जगीशा जो हैं वो अपने घर से बेघर हैं। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।